तो नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या पकड़ के बैठा हूँ, तो मैं बता दूँ कि ये बोस कंपनी का प्रोफेशनल ड्रिलिंग मशीन है और मैं इसको लिया हूँ। और क्योंकि देखा जाए तो रोज़ के दिनचर्या में ये सब चीज़ें घर पे होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रखता है, तो चलिए आज इसका मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और इसको अंदर क्या क्या मिलता है, क्या है सब कुछ तो दिखाता हूँ। तो चलिए उसको फटाफट पहले बॉक्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें मिलती है वो सब मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या इस पर लिखा हुआ है, इसके बारे में बता देता हूँ। सो यहाँ सबसे पहले बोस की ब्रांडिंग मिल जाएगी और यहाँ पे प्रोफेशनल इम्पैक्ट ड्रिल मशीन हो जाएगा। तो मॉडल नंबर इसका GSB 450 और 100 ईयर्स ऑफ बोस इन इंडिया, मतलब ये 100 साल भारतीय कंपनी है, इन्होंने पूरा कर लिया है। और देख सकते हैं यहाँ पे 450 वाट है और 2600 RPM के स्पीड में मिनट पे मशीन चलेगी। 1 mm से लेके इसमें 10 mm के वो जो आगे लगा होता है ड्रिलिंग करने के लिए वो लग जाएगा। और बाकी इधर पे देख सकते हैं इसका बारकोड है और यहाँ पे इसकी प्राइस लिखी हुई है, तो आप देख लीजिए। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। बाकी इस साइड में मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे बस वही ब्रांडिंग है और सेम चीज़ जो उस तरफ लिखा है इस तरफ भी लिखा हुआ है। दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों इसको चलूँ मैं ऑनलाइन हर चीज़ ख़रीदा जाए, तो इसको मैंने मार्केट से लिया। रेट तो सही ही मिल गया है क्योंकि एक अच्छी कंपनी है। तो चलिए फटाफट इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। हमें टूल के तौर पे एक पेचकस मिल जाता है इसके अंदर, आई थिंक ये स्टेनलेस स्टील का होगा ताकि काफ़ी मजबूत है। और इसके अंदर फटाफट मैं अनबॉक्सिंग निकालता हूँ, ये आपका ड्रिल मशीन है और इसके साथ क्यू कुछ है। और मैं इसको पहले साइड में रख के बॉक्स को साइड में रखता हूँ। मैं थोड़ा बीमार हूँ दोस्तों, क्योंकि रात दिन एसी में रहना है, फिर एसी से बाहर निकलना है। तो ये आपका यूजर मैनुअल है, इसको कौन पढ़ता है कौन कुछ नहीं पढ़ता, इसको रखते हैं साइड में। और इसमें दिया है कि कैसे कैसे क्या है, नोटिफिकेशन कैसे यूज किया जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। इसमें इसका बिल है और इसमें वारंटी कार्ड होगा इसमें इसका, और मैनुअल, और इसमें इनका ऐप है, ऐप से हम स्टार्ट कर सकते हैं और इस पेपर को देख सकते हैं। ये है वारंटी कार्ड 1 ईयर 1 साल का। और ड्रिल करने के लिए कुछ इन्होंने टूल दे दिया है और कुछ ये सब। तो इस ड्रिल मशीन से हम इसको मेटल में भी यूज कर सकते हैं, वुड में यूज कर सकते हैं, दीवार में भी यूज कर सकते हैं, कंक्रीट में भी कर सकते हैं। तो एक दे सकते हैं मेरे हाथ में, काफ़ी नॉर्मल सा है और काफ़ी ज़्यादा हैवी भी नहीं है और यूज टू है, ये हाथ में ही भी आ जाता है। और मैं बता दूं कि देखिए, जब पर्टिकुलर जब स्पीड में चलेगा आपका तो ये नॉर्मली ड्रिल करता है। जब हम किसी कंक्रीट की दीवार पे जब करते हैं तो ये जो ऑप्शन देख रहे हैं इसको करने से आगे पीछे होता है, आगे पीछे करेगा। तो इससे क्या होता है कि जब आप कभी भी, आप आज तक भी कभी भी देखा होगा जब बाबा जी का बुलडोजर अगर घरों मकानों पे चलता है या RCC की रोड जो होते हैं उसकी ढलाई तोड़ा जाता है, तो ड्रिल मशीन जब चलती है आपका जैसे भी क्रेन में तो आवाज़ होगा, जैसे ऐसा आवाज़ आता है डिग 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 डिग, मतलब वो ऐसे करके ड्रिल करता है, ड्रिल करके ही अंदर घुसता है। तो उससे क्या होता है कि कॉन्क्रीट आसानी से टूट जाती है। तो ये भी इसमें दिया गया है और इसमें है। तो चलिए, और यहाँ पे लॉक बटन है, यहाँ पे से स्टार्टअप होता है इसका, और यहाँ पे बोस की ब्रांडिंग लगी है, थोड़ा हैवी है, आगे इन्होंने दे रखा है कि ताकि प्लास्टिक, और देख सकते हैं आगे। तो चलिए इसको फटाफट चलाते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, और इसको चला के हमको दिखाते हैं। 2 मीटर वायर है, तो 2 मीटर वायर तो ये लोग यूज नहीं करते, इसमें एक्स्ट्रा वायर हम लोग को जोड़ना ही पड़ता है क्योंकि लंबा काम होता है तो वो ज़रूरी होता है। तो ये आपका ड्रिल मशीन है दोस्तों, इसको मैं अपने देखा, इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मैं दे दिया और कैसा है। तो फिलहाल इसको मैं इलेक्ट्रिसिटी में लगाता हूँ और इसको डायरेक्ट चला के दिखाता हूँ ताकि आपको डायरेक्ट पता चले कि क्या है और कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो ये देख सकते हैं, पहले डिसेंट नॉर्मल, इसमें देखिए पहले के क्या, जो ड्रिल मशीन है जो बड़े होते हैं जो लोकल का टाइप के होते हैं वो ऐसे करते ही तुरंत स्पीड में चलना शुरू होता है, लेकिन जब आप कोई ओरिजिनल चीज लेते हैं जो जिसमें अधिक पैसे लगते हैं तो धीरे शुरू होता है, फिर उसको तेज दबाएंगे तो ऐसे काम करेगा और काफी अच्छा हवा फ्लो कर रहा है। बनारस में गर्मी काफी अधिक है
और बारिश तो जा चुकी है, खैर तो सब बात में बातें होगी। और देखिए इसको मैं अब इधर पे करूँगा, इधर पे करने पे ये ड्रिल जैसा काम करेगा, क्योंकि तो जैसे जब हम किसी चीज़ को वो करेंगे तो ये ड्रिल करके धर धर करके अंदर घुस जाएगा गर्म के टावर में। ये कुछ है, आई होप तो आपको मैंने चला के दिखा दिया और काफ़ी स्पीड है इसकी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि भविष्य में ऐसा कुछ मैं मशीन खरीदूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैं क्या खरीद रहा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।